उल्लासनगर शहर में आज 24 नवंबर के दिन कोरोना के नए 20 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ शहर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 10,669 पहुँच चुकी है। वहीं आज 36 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया है। इसी के साथ अब तक कोरोना मुक्त हुए लोगों की संख्या 10,084 पहुँच चुकी है। वहीं कोरोना की वजह से अब तक 354 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस समय शहर के 231 मरीज एक्टिव हैं, जिनमें से कोविड केयर सेंटर में 16, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 78, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 21, होम आइसोलेशन में 55 व उल्लासनगर मनपा क्षेत्र के बाहर 61 लोगों का इलाज चल रहा है। आज जिन 20 मामलों की जानकारी हमें मिली है, उनमें कैंप नंबर 1 से 2 मामले शामिल हैं, जिसमें शहाड़ गांव थार परिसर से 1 व 1 मामला वेंकटेश हॉस्पिटल के पास परिसर का बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 2 से आज 5 मामलों की जानकारी मिली है, जिसमें मास्को बुटिक के सामने न्यू लिंक रोड परिसर से 3, कैलाश पर्वत टावर परिसर से 1 व कैंप नंबर 2 से 1 और मामला बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 3 से 7 मामले सामने आए हैं, जिसमें धर्मदास दरबार के पास परिसर से 1, रेड क्रॉस हॉस्पिटल के पास परिसर से 1, सुभाष नगर चर्च के पास परिसर से 1, शास्त्री नगर पंजाबी कॉलोनी के पास परिसर से 1, संतु बिल्डिंग के पास पोस्ट ऑफिस परिसर से 2 व कारपोरेशन के पास परिसर का 1 मामला बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 4 से आज 4 मामले सामने आए हैं, जिसमें मराठा सेक्शन परिसर से 1, सुभाष टेकड़ी परिसर से 1, 26 सेक्शन परिसर से 1 व राहुल नगर परिसर का 1 मामला बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 5 से आज 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें शांति भवन गांधी रोड परिसर से 1, न्यू इंग्लिश स्कूल के पास नेताजी चौक रोड परिसर का 1 मामला बताया जा रहा है। टाउन दर्शन इसी तरह से रोज़ आपको अपडेट देता रहेगा। यह अपडेट जानने के लिए जल्द से जल्द टाउन दर्शन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।